क्वेश्चंस रेडी है, तुम मेरा घाघरा नहीं दिखा रहे हो ब्लैक हार्ट जैसा। बाकी जी सारा खान जो है उनका नया जो म्यूजिक एल्बम है, वीडियो एल्बम, उसके लिए आप शुभकामनाएं देने के लिए आई हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? या बिल्कुल, आज सारा खान मेरी बेस्ट फ्रेंड है, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बडी, और आज उसके वीडियो का लॉन्च है और उसके वीडियो का नाम है ब्लैक हार्ट, एंड टुडे आई एम वेयरिंग अ ब्लैक कॉस्ट्यूम, यू नो, इसलिए तुम्हारा इससे ज्यादा हार्ट ब्लैक क्या हो सकता है, मेरा ध्यान भी वहीं जा रहा है एक्चुअली, मैं को रोक नहीं पा रहा हूं, आई डोंट नो व्हाई तुम्हारा तुम्हारा इसके ईशान की नजर हार्ट पे जा रही है, पता नहीं कहां जा रही है, यू नॉटी, डोंट डू दिस। सो आई वांट टू से दैट के सारा ने सिंगिंग किया है इसमें, शी संग सो नाइसली, आई लव हर वॉइस एंड वीडियो इज अमेजिंग, स्पेशली हर लुक्स स्पेशल एंड इट्स लुकिंग इंटरनेशनल, एकदम इंटरनेशनल, एग्जैक्टली आफ्टर सो लॉन्ग एक वीडियो ऐसा इंडिया में है जो बहुत इंटरनेशनल दिख रहा है एक्चुअल में। सारा इज लुकिंग अमेजिंग इन द वीडियो एंड संग बाय सारा, तो ब्लैक हार्ट जो जितने भी लोग हैं वो जरूर देखे भी और सुने भी, बिकॉज आप एक पल में आप जज ना करें, बिकॉज उसे गाना पड़ता है, उसे सिंगिंग करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एंड उन्होंने पूरा फ्रॉम हर हार्ट इज रेड बट ब्लैक हार्ट किसे कहते हैं, मैं बताऊँ, ब्लैक हार्ट उसे कहते हैं जो पीछे से बिचिंग होती है, जो लोगों की ब्लैक हार्ट होते हैं, यू नो, जैसे आज मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हूँ, अब कितने लोग मेरे पीछे बिचिंग कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ब्लैक हार्ट। एग्जैक्टली। सो सारा का भी वीडियो ऐसा ही है, वेरी इंटरनेशनल, आई लव इट, डिड यू लाइक इट? ऑफ कोर्स, स्पेशली हर लुक, स्पेशली हर न्यूड लुक इन द कॉटन, वाओ, कॉटन में सारे पूरा न्यूड लुक, आई लव इट, वेरी गट्सी वीडियो, बहुत गट्सी, आई वांट टू डू, सारा आई वांट टू डू कॉटन में, मैं भी एकदम न्यूड लुक करना चाहती हूं। आप फूलों में करना ना? किसमें? फूलों में। फूल तो मैं खुद हूँ, मैं कांटों में करूंगी। राखी आपने भी काफी सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं, म्यूजिक एल्बम्स में आप काम कर चुकी हैं, तो इस एल्बम के लिए क्या कुछ टिप्स अगर आपने सारा को दी? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आई शुड गिव हर टिप्स, शी इज हर सेल्फ, शी इज ब्यूटिफुल, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी इंटरनेशनल, हर वॉइस बिल्कुल इंडियन सिंगर नहीं लग रही है, एंड लुक वाइज, हर फेस वाइज, हर लुक्स वाइज, हर डांस वाइज, हर पोज वाइज, शी लुक्स इंटरनेशनल, हम तो इंडियन हैं, हम तो इंडिया में रह के वर्ल्ड फेमस है। जहाँ तक अगर बात करें न्यूडिटी की, न्यूडिटी जो न्यूड पोज उन्होंने दिया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सो दिस इज योर ब्लैक हार्ट, आपको न्यूड क्यों दिख रहा है? दिस इज कॉल योर ब्लैक हार्ट, यही है वो गाने का नाम, हमें क्यों नहीं दिख रहा न्यूडिटी, हमें फॉरगेट अबाउट द गर्ल्स, बट शी इज लुकिंग, व्हाई डोंट यू, व्हाई कांट यू सी nude, she's looking so hot, she's looking beautiful, it's not so matter of beautiful, girl, so beautiful, she's looking acha, usme kya dikh raha hai, kuch dikh raha hai, kuch nahi dikh raha hai, a half uska body dikh raha hai, she's looking so beautiful, yeah, very artistic actually, very attractive, yeah, and not attractive, very artistic, very attractive, she showed herself very nicely in the video, yeah, काफी लोग इसका विरोध भी जताएंगे, उनको आप क्या संदेश जताएंगे? जताया तो नहीं ना, नहीं तो अभी तक वीडियो सामने भी नहीं आया है। ओके, तो कौन जताएगी? मुझे तो आप ही लग रहे हो जताने वाले, यू हैव अ ब्लैक हार्ट, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, कोई अगर जो भी उसके खिलाफ जाएंगे, सारा खान के खिलाफ, उसको मुझसे सामना करना पड़ेगा, मुझसे, रेड हार्ट से, जी हाँ, राखी सावंत से कोई भेद नहीं सकता, नो चांस, शी इज माय फ्रेंड एंड शी हैज डन अ हार्ड वर्क, हे सारा यार, ब्लैक हार्ट, She is the fantastic singer. I've told you about Black Heart. हम लोग बहुत तारीफ कर रहे थे. Very international voice you have and international video. Especially your looks. And Especially I like your looks. But I like your lyrics also. They ask me what is meaning of Black Heart. I say Black Heart वो होता है जो पीछे से bitching करते हैं. Am I right? Yes. Yeah. And another thing is आजकल लड़कियां भी लड़कियों को नहीं छोड़ती हैं. उनके कपड़ों को लेकर, उनके boyfriends को बदलने को लेकर, to everything they talk a lot. So एक लड़की को slut shame करने पर ये गाना है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने अपनी ज़िंदगी भी बनाया है, जो कि हर लड़की को आई थिंक रिलेट करेगा, सो मस्ट हियर द सॉन्ग। आई वांट टू से अबाउट सारा, शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी नाइस गर्ल एंड द मोस्ट अमेजिंग पर्सन
is Rakhi Sawant. Like, she exactly. She doesn't have black heart. Another thing, she doesn't have jealousy. जो कि हर किसी में होती है और ये इंसान अपनी दोस्तों की दोस्त है, दोस्तों के लिए जान देती है, दोस्तों को चाहती हैं कि वो जितने अच्छे दिख सकते हैं उतने दिखें। हर लड़की ऐसा नहीं करती, हर लड़की आगे बढ़ने पर बिल्कुल भी नहीं खड़ी होती। शी इज द वन जो दोस्तों की दोस्त है, दुश्मनों की दुश्मन है। तो बच के रहना, बच के रहना। यू कैन यू सिंग योर सॉन्ग प्लीज? यस या ओके सर। इट्स कहंदा ये जमाना मैनू बिगड़ा, मैनू पल पल जज करदा, मेरी रूह विच वसदी मोहब्बत ते मैनू ब्लैक हार्ट कहंदा। वाओ, लाइक देखो, आई लव इट, आई लव द लिरिक्स। यू नो, देखिए मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि अभी तक मुझे मूवी का कोई ऑफर नहीं आया, तो लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। आई होप दैट हर एक्टर का सपना होता है कि वो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। एंड आई डोंट वांट टू बी द वन हु विल से ओ मेरे पास ये ऑफर है वो ऑफर है। आई वांट टू से अक्षय, शाहरुख, सलमान, प्लीज साइन हर फॉर योर मूवी बिकॉज शी इज द बेस्ट। लुक एट दिस, यस, हु डज दैट, हु डज दैट फॉर एनीबॉडी, स्पेशली आफ्टर ब्लैक हार्ट। Dude, she's a sweetheart, man. I don't care about... Okay, if she doesn't do what she does, she will not be who she is. Oh, wow. Guys, yeah. She is the one who had guts to do whatever she did. And I love her. I truly love her. Thank you. Sir, what kind of preparation do you need to make this video album? I have to prepare a lot of money for this video album because I have done all तो पैसे की तैयारी बहुत करनी पड़ी। बाकी फैसल मियां फोटो वाले जो मेरे भाई, इनका एक सवाल है, मुझे वो जवाब दो। कह रहे कि आपने हाफ वो कॉटन के अंदर हाफ न्यूड किया है, इसको अपोजिशन हो सकता है, तो मैंने कहा क्यों हो सकता है जी, व्हाई, आपकी नजर कहीं और क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला में घूमना चाहिए? Why not? So I'm so sorry to say that. आपने पर्दा किया है कॉटन से? I am कॉटन से पर्दा किया है। I am Muslim myself and मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेन है towards those people जो खड़े हो जाते बुरखा बुरखा बुरखा। अरे शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो। तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, वरना तुम आते कहाँ से साले? और अब मैं सारे बुरके आदमियों को पहनाऊंगी मैं। एग्जैक्टली, आंखों पे, आंखों पे सालों को अंधा कर दो। ओह माय गॉड। नथिंग, मैं द ग्रेट खली जी के रेसलिंग में मैं गई थी। yes. मैंने बहुत इंजॉय किया पंजाब में, बहुत मज़ा आया। बस सिर्फ मेरा वो, उन्होंने इंग्लिश में बोला था एक रेसलर ने, रेबल ने, कि इज देर इज इन इंडिया एनी वन हु कैन चैलेंज मी, हु कैन कम इन द रिंग। एंड मैं ये भूल गई, उसने पिटाई के बारे में नहीं बोला था। आई थॉट उसने कहा था कि डांस करने के लिए। सो यू नो, मगर सोचे समझे मैं रिंग में चली गई, मैं आके डांस वांस किया और मुझे पता ही नहीं चला है उसने मुझे सारा कब उठा लिया कब पटक दिया। आई डिडंट नो दैट। और जब मुझे चोट लगी मैं होश में आई तब मैं पता नहीं कहाँ थी। और जब मैं होश में आई तो पूरी दुनिया मुझे गालियां दे रही थी कि तुम रिंग में गई क्यों। इवन आस्किंग, आई एम आस्किंग माय सेल्फ कि मैं रिंग में गई क्यों। मेरी किस्मत मत मारी गई थी, बट एक्चुअली व्हाटएवर इट इज, मैंने चैलेंज तो लिया, एक्सेप्टेड। और नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा शो में जाऊंगी, सो आई विल टेक रिवेंज, आई मीन मैं रेबेल को पटक दूंगी। नो कमेंट्स ऑन दिस, सॉरी। लेट्स टॉक अबाउट हर ब्लैक हार्ट। क्यों नहीं करेंगी? हेलो, ये क्वेश्चन भी मत पूछो। ऑफ कोर्स मुझे इनसे पूछने की जरूरत नहीं। बाय द वे, आई एम मेकिंग अ सॉन्ग ऑन हर। ओह वाओ, शी विल बी फीचर्ड इन दैट एंड आई एम प्रोड्यूसिंग माय सेल्फ दैट सॉन्ग। बस आप कर लीजिएगा प्लीज। अरे मेरी जान, मैं एक टांग पे खड़ी हूँ, देखो मेरे टांग पे कैमरा डालो। ऑन टांग, वन टांग, एक टांग पे खड़ी हूँ करने के। आई लव दिस वुमन मैन।
कौन, किसने बोला ये? एक सेकंड, अनूप जलोटा ने ही बोला था राखी सावंत भी अगर आएगी तो मैं उसको भी सिखाऊंगा। और अनूप जलोटा अगर अब ये बोल रहे हैं तो हम सॉरी अनूप जलोटा जी, आपको थोड़ी सी अपनी याददाश्त पे काम करना पड़ेगा। व्हाट्स रॉन्ग विद योर जल, योर लोटस? आई टेल यू वन इंसिडेंट, आई वाज इन लंदन, शूटिंग फॉर समथिंग and there they because the camera was there, so they thought that I'm an actor, so they said, oh, you're an actor. I said, yeah. They were like, from where? I was like, from India. They're like, oh wow, we know only two people from India. I was like, great, who all are they? They said Amitabh Bachchan and Rakhi Sawant. Oh my god. Oh. Wow. I was in London. I'm talking about a localite of London. A shopkeeper said respect me. So jo bhi karke Rakhi Sawant ka naam hua hai, guts the usme jo usne apna naam banaya hai, naam kya, and I respect that. And everybody knows Rakhi Sawant in India. Nobody can say that I don't know Rakhi Sawant. Wow. I'm really sorry for that. थैंक यू। एंड आई टू रिस्पेक्ट अनूप जलोटा जी, तो अनूप जलोटा जी आई जस्ट वांट टू से यू डोंट नो मी, तो आपको दुनिया में कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी, वो आप भूल गए, आप भूल गए कि आप मुझे म्यूजिक सिखाना चाहते थे, आप मेरे साथ डेटिंग करना चाहते थे। ये तो मैंने भी देखा है, मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ अनूप जलोटा जी का, लेकिन मैंने उनका एक इंटरव्यू क्योंकि ट्रेंडिंग पे था तो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट, और वहां उन्होंने बोला था, भाई मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो कि सबको संगीत सिखाऊं, अगर राखी सावंत भी मेरे पास आएगी तो मैं सिखा दूंगा। अभी राखी सावंत तो कैसे नहीं जानते, ये तो अनूप जलोटा जी जो राखी सावंत को संगीत नहीं सिखाना चाहते, उसके साथ शावर लेना चाहते हैं। एंड आई एम नॉट शावर अली अंदर है, शावर अली अंदर है। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा हो गया। बाय 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 बाय। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय बाय। ओके, नो डेफिनेटली नॉट, मैं पटकी गई, मेरे कमर में चोट आई, फिर भी अगर लोगों को ऐसा लगता है तो सॉरी आई कांट हेल्प। वो शो हम लोग भी एक साथ पढ़ चुके हैं, अगर वैसा वो नाटक होता तो पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए राखी सावंत को एट दिस मोमेंट ये नाटक करने की जरूरत नहीं है फेमस होने के लिए। नहीं, वो ऑलरेडी इतनी फेमस है, उसको टांग तोड़ के फेमस होने की जरूरत नहीं है। Yes, because I don't do controversy. I never do controversy. I don't do. Top three में? I feel Shrishti. I feel Deepika. Deepika. Yeah, they are really strong contenders. Yeah, okay. Yeah. Jasleen bhi bahut acha kar rahi hai. Jasleen ka I can't say that wo top finals mein ja sakti hai. But she's hot. Yeah, she's great. She's very hot. She's a great singer. Yeah. Thank you. Yeah. Wow. Saru, come in the middle. Yes, come in the middle. You all can start shooting questions. Yes. Otherwise, yes. We'll be posing. Ma'am, Sara ji ka jo video album jo launch ho raha hai, uske mauke par aap aayi, kya kehna chahenge aap? So Sara ko main bahut time ke baad actually mil rahi hu, and it makes me proud to say that she's launching her own music album, and I think it requires a lot of guts to do something out of your comfort zone. So whether it'll do well or not, that's a later question, but I'm very happy that she's taken a bold step and she's doing something what her heart said. So congratulations, I love you. हम तो पार्टीज में सारा को सुनते ही आए हैं काफी टाइम से, वे वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, एंड काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, और जब मैंने इसका टीजर देखा तो इट वाज वेरी ब्रिलियंट, और जब मैंने गाना आज देखा, आई जस्ट केम फ्रॉम जबलपुर एंड आई लैंडेड एंड द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू वॉच इट ऑन द होम थिएटर, एंड जो उसके लिरिक्स हैं और जो उसमें एक मैसेज भी कन्वे इन अ वेरी सेक्सी वे, it's I mean to say it's path breaking completely. I have not seen such a sexy video with such strong lyrics, and it's not only about her or anything like that, it's about a girl. I would say she's conveying the message for, because there is everybody, in fact hum ladkiyan bhi go through karti hain is cheez se, hame slut shaming baat baat pe ki jati hai, aur I think this is the lyrics were written in such a way
जिसमें कन्वे हो रहा है कि हर लड़की को आप जज नहीं कर सकते इतना इजी। अगर आपने उसे शॉर्ट ड्रेस में देखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक लड़की अच्छी लड़की नहीं है। आई एम सॉरी, बुरखे में भी बहुत पाप होते हैं। करेक्ट। तो प्लीज डोंट जज अ गर्ल विद हर स्कर्ट्स। Actually, I would like to make a statement about Sarah, since I know her for a very long time. हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, sometimes we have to do bold roles and sometimes we also have to wear little glamorous clothes. But Sarah is somebody who is a very conventional girl at heart. So yes. Although you can see her in something very western and very sexy, and you can see her a little bold in her music videos, but she's very conventional at heart. So actually what she just said is that you know, you shouldn't judge a woman based on her clothes. You know, a woman in a sari doesn't mean she's you know, very yes. You know, seedha sada. You know, for all you know, she'll surprise you. International artist jo hoti jo sabse important lagi ho aapko, sabse kya hai wo thoda batayenge uske bare mein, jo first time mile ho, koi ek incident. So सारा को मैंने अभी जब मैं मिली, द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड हर इज दैट 9-10 साल पहले जब मैंने उसे स्क्रीन पे देखा था इन विदाई, द इनोसेंस एंड द स्वीटनेस दैट शी हैड ऑन हर फेस, आई डोंट सी एनी चेंज इन हर, बिकॉज विद टाइम यू नो यू स्टार्ट लुकिंग मैच्योर एंड यू नो यू लूज द इनोसेंस, बट आई थिंक व्हाट यू से शी इज स्टिल वेरी बबली एंड शी इज स्टिल वेरी फुल ऑफ एनर्जी एंड वो जिस भी पार्टी में या किस भी यू नो कहीं भी होती है एकदम एनर्जी अप होती है। अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखें तो मतलब अगर कोई सैड भी होगा ना तो उनको देख के एकदम एनर्जी आ जाएगी। शी लिव्स लाइफ टू द फुलेस्ट, शी इज अ क्वीन यार ऑफ द लाइफ। इनका गिफ्ट सबसे बड़ा ये है, जयपुर से ऑल द वे आए हैं एंड शी हार्डली अटेंड्स पार्टीज, यस, बट शी ऑल द वे फ्रॉम हर कंफर्ट जोन केम आउट फॉर मी, इज द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर मी। I cannot expect anything. My any pleasure. Time, any time for her, any time for finally, her. Finally, camera ke samne wish kar dijiye. Wishing all the best to Sara for her yay! New single Black Heart, which is path breaking, yes, and which is gonna send set a trend for everybody. Yay! Trust me. Thank and you. We can't wait to go inside and watch the video. Watch, main to dekh chuka hun, but bade screen pe. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Yes. Namaste, India. Aap kaise ho? What's up, everybody? How's it going? So let's rock and roll. Black Heart, Sara Khan, The Bucket List, Ghana exclusive. Bataiye kaise ho? Oh, Sara, actually, mein bataiye mujhe kaise mili thi? Stebin, ek ladka Stebin Ben. Stebin Ben aur main saath mein pehle Sukhwinder Singh ke saath perform kar rahe the. और फिर स्टेबिन ने बोला आकाश हम लोग अभी दुबई जाने वाले हैं, तो फिर दुबई में मुझे फिर सारा भी आई थी, हम लोग मिले, मैं आई गॉट टू नो सारा, सारा वॉज एन अमेजिंग पर्सन। और फिर सारा ने मुझे बताया शी इज़ इन म्यूज़िक और वो गाना करने वाली है, और उसके आज गाना और वीडियो आया है विच इज़ अमेजिंग। आई नो व्हाट आई लाइक अबाउट द सॉन्ग द बेस्ट इट्स पीपल जज गर्ल्स डोंट जज एनीबॉडी। पता है आप भगवान नहीं हो, आप जज किसी को कर नहीं सकते हो, ओनली गॉड कैन जज। सो लेट द पीपल बी फ्री, एंजॉय एंड लाइक सारा सेड डोंट जज मी, काला हार्ट और काला दिल मत रखो और एंजॉय करो, यू नो आई एम सेइंग। हाँ यार, बैंग बैंग ऑलरेडी 4 महीने हो गए, अभी दूसरा गाना आ रहा है, पर आज मैं आया हूँ सारा खान के लिए, उसकी फैमिली भी आई है एंड आई लव देयर सिस्टर्स and they're a good family and they're working hard, which is the best thing I think. Aur judge kisko mat karo and don't keep a black heart, khula rakho dil ko, you know. Aur actually main Rakhi ko main itna janta nahi hu, par camera mein jaisi hoti hai wo achhi bhi hai, as you know she gets crazy and wild, but main usko mila hu, she's a very wonderful person and we're pretty chilled out and relaxed hai, she's a fun person to be around. सो राखी से खूब पर्सन, हाँ मैं बहुत हंसा उसको मिलके, वो मुझे बता रही थी उसके रेसलिंग के बारे में, उसको पटका और अभी वो भी रेसलिंग सीख रही है, वो वापस जाके पटकेगी, सो आई वुड लव टू सी दैट। नाउ शी इज अ कॉमेडी ब्रो, राखी व्हाटएवर शी डज ना शी एंटरटेन्स इंडिया एंड शी इज अ फन पर्सन। और जो भी आप सोचते हो मैं इतना बोलता हूँ, नेवर जज अ पर्सन, कभी जज मत करो, सब कूल ही है यार, जैसे आप सब लोग कूल, हम लोग भी सब कूल है ब्रदर।
और यार मैं अभी बिग बस में भी गया था अपार शक्ति के साथ में, और मैंने बोला था वहाँ पे रोमिल आएगा और श्रीशांत और दीपिका। मुझे एक्चुअली वाइल्ड कार्ड के लिए बुलाया था पर मैं जा नहीं पाया, मेरा शूट आ रहा है। बट लेट मी टेल यू दिस थिंग, बिग बॉस सीजन 11 जो हमने किया था वो बेंचमार्क था। अब तो मैं क्रेजी बन नहीं सकता आपके लिए, यू ऑलरेडी नो दैट, बट सीजन 12 थोड़ा बोरिंग है, आपको सबको पता है ये बात। और बेटर हो सकता है, अभी लोग ट्राई कर रहे हैं, पर सीजन 11 जैसे और एक कैश जैसे कभी कुछ नहीं हो सकता है। सब लोग ब्रो अपनी रॉक स्टार है। हाँ मैं, मेरी मॉम रोमिल को बहुत पसंद करती है, क्योंकि रोमिल जैसे घर चलाता है और जिसे बात करता है मेरी मॉम को पसंद है, और जो मेरी मॉम को पसंद है वो आकाश को पसंद है। एज यू नो आई लव माई मदर। हाँ एक्चुअली क्लियरली मुझे कॉल आता जीतेगा श्रीशांत, दीपिका या रोमिल, वो तीनों में से एक ही है। और मुझे दीपक बहुत पसंद है, आई होपफुली दीपक ऑल्सो गेट्स इन टू द फाइनल्स एज वेल, सो लेट्स सी। क्रेजी लुक, गर्ल्स आर ऑलरेडी गोइंग वाइल्ड, आकाश आ गया है। Oh yeah, actually my new song is coming out called Move Your Body with Sameer Khan and the whole new team. So I'm totally happy about it. Hi, come here, come here. Come. Come girls, come on. Come on. And now you know. Hi, what's up? Hey, come on baby, why are you shy? It's Bang Bang. Bang Bang. Akash aur ladke nahi aaya, I don't know how that works out. Okay. Hi, Akash. I'm Radha. Hi Radha. I'm Mehak. Hi Mehak. Hi Shwarya. Hello, how's it going? It's going good. Hey, season 12 pasand aaya? Is it season? But I like, I don't like Srishant. No you don't? I don't. Wo par khiladi hai yaar. Exactly, I don't like him. He loves you. Yeah, you love me? Yeah. Oh, come give me a hug, bro. I can't let the ladies. Hey, I take it. But hey, do you find season 12 as fun as season 11? No, I think season 11 was way better. Yeah, I was. Yes. Hey, do you guys remember that? Listen to me, come here, don't go away. Do you remember that song, Big Boss Ka Ghar Hai? Of course. Yes. Yeah, Big Boss Ka Ghar Hai, kisse na dar hai, lete hum pange, hum kar denge dange. Bye, bye girls. ये प्लीज ए लेके आना, ये ए में सिस्टिन नहीं है, ए आप प्लीज देखिए वो सिस्टिन है। सो ऐसे फिर आके हाउ थैंक यू वंडरफुल सारा की जो नए वीडियो एल्बम की जो लॉन्चिंग हो रही है आज, हाँ जी, इसके मौके पर आप बस मैंने वीडियो देखा, मुझे वीडियो बहुत 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 पसंद आया। सारा इज़ अ फैमिली, शी इज़ ऑलवेज बीन अ फैमिली, एंड यू नो उसका पहला सिंगल है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। स्लैश अगेन इज फैमिली, सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, और भगवान करे कि खूब बड़ा हिट हो गाना। और पूरा प्रोडक्शन वैल्यू उसका, डायरेक्शन उसका, सारा की आवाज़, इट्स अमेजिंग। शी इज़ पुट ऑन लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ एफर्ट, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। यार आई थिंक करणवीर बोरा, यू नो ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी। श्रीसंत इज अगेन ही इज अ ब्रदर टू मी। सो कौन फेवरेट है वो बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आई थिंक यार मे द बेस्ट पर्सन विन, एंड they all family are, I love them. Karanveer Bora, he's amazing. Shrishant is amazing. I wish both of them all the best, and may the best person win. Okay, jo Big Boss ke fans hain wo lagta hai ki Salman Khan show mein kafi biased hai jab Karanveer aur Shrishant ke beech mein baat aati hai, so what do you think, what is your opinion? Yeah, Salman bhai itne zyada senior hain aur itne you know he's so big as a persona, as you know the respect value, he's so big कि उनकी समझदारी को डाउट करना और उनको उनके कैलिबर को डाउट करना, आई थिंक इट्स यू नो यू कांट डाउट सलमान खान। सो आई एम श्योर कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और बिग बॉस के पूरे प्लेटफॉर्म में और बिग बॉस के पूरे जो उसका पूरा एक दायरा है उसको मेंटेन करते हुए कर रहे हैं। हाँ जी यार, आई हैव नो आइडिया। हाँ जी क्या, अच्छा
नहीं, आई एम श्योर यार सलमान भाई कभी बायस नहीं होते, और उन्होंने कुछ बोला है तो वो सोच समझ के ही बोला होगा. एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ करणवीर भैया के लिए कुछ गलत बोला है या उनके अगेंस्ट बोला है तो उसके पीछे भी कोई जस्टिफाइड रीज़न होगा, जहाँ पे करणवीर ने कुछ ऐसी बात कर दी होगी या बोल दी होगी या यू नो कुछ ऐसी हरकतें हो गई होंगी जिसके कारण उनको ऑब्जेक्शन हुआ होगा. सो एज अ वाइफ टी जे हैज़ ऑल द राइट्स टू सेंड एन ओपन लेटर, एंड यू नो एज अ होस्ट ऑफ द शो सलमान भाई हैज़ ऑल द राइट्स टू से व्हाटएवर ही वांट्स टू. या थैंक यू. चलो ऑफकोर्स सारा खान का वीडियो मैंने सुना है, देखा है, इट्स अ ब्रिलियंटली शॉर्ट वीडियो एंड सारा की आवाज़ बहुत अच्छा है, खासकर जब वो पंजाबी बोलती है तो आई एम क्वाइट श्योर जैसे उन्होंने टीवी में सबका दिल जीता है तो संगीत जगत में भी वो सबका ज़रूर दिल जीतेंगी. आई थिंक सो बोल्ड, बींग बोल्ड अब बहुत ज़्यादा वो ओवर रेटेड सा वर्ड हो गया है. आई थिंक सो इट्स वेरी कैजुअल फॉर एवरीबडी नाउ. इट्स जस्ट आई थिंक सो बिकॉज शी कम्स फ्रॉम द टीवी, दैट्स वाई इट इज़ बिकमिंग लाइक अ बोल्ड. बट आई थिंक सो इट्स अ ब्रिलियंटली शॉर्ट वीडियो, आई लव्ड इट. Thank you. Black heart. Thank you. Black heart. Black heart. Sara ka video release hua hai. It's fantastic video. Sung by Sara Khan. Beautiful voice. Beautiful number. Beautiful lyrics. Beautiful video. Ekam international video lag raha hai. I loved it. I'm shocked. Logo. I loved it. Okay.